क्लच नहीं मिलता। अभी से स्टार्ट कर दे, तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है। काफी यूनिक सिस्टम है एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में। वीडियो देख के आप चौंक गए होंगे कि भाई ये कौन सा गाड़ी दिखा रहा है, लेकिन भाई लोग ये गाड़ी काफ़ी रेयर, काफ़ी यूनिक और काफ़ी मतलब एक ऐसी गाड़ी है जो आपने कभी देखी नहीं हो, और जिन्होंने देखी होगी उनको इस गाड़ी के बारे में पता होगा। ये है TVS की जाइव। काफ़ी टाइम पहले ये गाड़ी लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको क्लच नहीं मिलता, यही इस गाड़ी की खास बात है। एंड ये डायरेक्ट ड्राइव है बोलते हैं, तो मतलब अपने कार में जैसे AMT होता है, जैसे गेयर बॉक्स इसमें दिया गया है, यहाँ से आप गियर शिफ्ट कर सकते हो इसके, एंड गियर शिफ्ट करके आप इजीली इसे चला सकते हैं। अभी ये जो गाड़ी है ये मेरे चाचा जी की है एंड वो एज उनका काफ़ी ज़्यादा है, तो एज को देखते हुए ये गाड़ी वो आज भी चला रहे हैं। आज उनकी एज 55-60 के बीच में उनकी एज है और उस एज में भी ये गाड़ी वो इजीली चला पा रहे हैं। इसमें जो ट्रांसमिशन आता था वो टीमेटिक ट्रांसमिशन आता था TVS की, जब वो आपको TVS की स्टार स्पोर्ट ये जो गाड़ी है आपको पता ही होगी, उसी पर बेस्ड ये गाड़ी है। चैसिस और इंजन वही है, 110cc का, एंड कुछ इस प्रकार का इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। चेन जो इसकी है वो इस साइड में दी गई है, यहाँ पर चेन है एंड यहाँ से इसके जो है गेयरबॉक्स दिया गया है। तो अब मैं इसका आपको राइडिंग रिव्यू भी दूंगा, मेरा भाई जो है वो इसे आपको चला के दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल किसी भी प्रकार का क्लच नहीं, अभी लोग बोलेंगे क्लच निकाल दिया है, भाई किसी का क्लच यहाँ पे निकाला वकाला नहीं है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये जो ये पार्ट है ये डायरेक्ट है, क्लच वच कुछ निकाला नहीं है, ये डायरेक्ट ड्राइव गाड़ी है। इसे न्यूट्रल में रख के स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पर किक भी दी गई है, किक से भी आप इसको यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं एंड बटन स्टार्ट भी यहाँ पर आपको जो है वो दिया गया है। एंड मैंने अभी मेरे जस्ट चाचा जी से पूछा कि माइलेज वाइलेज कैसा है, तो भाई माइलेज नॉर्मल गाड़ी जितना ही इसमें आपको मिलता है, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है क्लच नहीं है गाड़ी में तो एवरेज कम देगी, जितना नॉर्मल गाड़ी एवरेज देती है उतना ही एवरेज निकाल के देगी। अभी मैंने पूछा था, अभी खेत खलियान में गाड़ी यूज़ होती है, हाईवे पर तो नहीं चलती, लेकिन फिर भी इसमें से लगभग मेरे चाचा जी ने मुझे बोला कि 50-60 का माइलेज वो निकाल लेते हैं। अभी 110cc की कोई भी सेगमेंट की बाइक 60-70 का एवरेज निकालती है ऑन एन एवरेज, लेकिन 50-60 का भी इसके इनफ से इनफ है। लेकिन जो मेन पॉइंट था उसका वो यही है कि इसमें जो है आपको क्लच नहीं मिलता, क्लच पेडल नहीं मिलता, क्लच लीवर नहीं मिलता सॉरी। ये देखिए ये बस जा रही है टाटा मार्को पोलो स्कूल बस, तो क्लच जो है क्लच लीवर नहीं मिलता इसमें। एंड इसमें आपको डायरेक्ट यहाँ पे चलाते वक्त जो है आपको डायरेक्ट जैसे हम AMT कार में विदाउट क्लच दबाए हम गियर बदलते हैं जैसे सिलेरियो में एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे आपको इसमें बदल के चलाना है। हम इसका राइडिंग रिव्यू भी आपको देंगे, देखते हैं चाचा चाबी देते हैं कि नहीं उस पर वो डिपेंड करता है, कुछ इस प्रकार की गाड़ी है। तो यूनिक चीज़ मुझे लगी इसीलिए मैंने कहा मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, TVS जाइव। तो भाई लोग ये रही मेरे चाचा जी की TVS जाइव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस क्लिप में कि गाड़ी का हॉर्न भी बहुत तगड़ा है यार, चाचा जी वैसे शौकीन है, थोड़ा एज है उनका, तो ये है टीमेटिक गियरबॉक्स TVS जाइव। तो इसका जो मैकेनिज्म है काफ़ी यूनिक है। अब मैंने चाचा से पूछ के आया हूँ कि इसे कैसे चलाना है, तो चाचा ने मुझे बताया कि जब इसे स्टार्ट कर दे तब इसे थर्ड या फोर्थ गियर में जो है स्टार्ट करना पड़ता है, तो अभी मैंने इसको थर्ड गियर में रखा है, ठीक है थर्ड गियर में रखा है एंड इसको अभी हम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये स्टार्ट हो गई है, तो स्टार्ट होने के बाद आपको पता है आपको मतलब गियर आपको इसमें चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू योर टेरेन, एंड यहाँ से जो आपको एक्सीलेटर देना है, एक्सीलेटर जैसे आप देंगे गाड़ी आपकी आगे जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का क्लच इसमें जो है नहीं दिया गया है, अब मैं रेस करूँगा तो गाड़ी रेस होगी। एंड ब्रेकिंग के लिए आपको यहाँ पर जो है राइट पैर में पीछे का ब्रेक एंड यहाँ पर जो है आगे का ब्रेक जो है वो दिया गया है, तो काफ़ी यूनिक सिस्टम है। एंड जो एजेड लोग हैं मेरे चाचा जी जैसे अभी मैं रोक लेता हूँ, तो एजेड लोगों के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट मुझे लगी है एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। लेकिन ये गाड़ी इतनी जल्दी बंद क्यों हुई वो सब रीजंस मुझे नहीं पता, कैसे बंद हुई क्या बंद हुई वो सब भी मैं नहीं जानता। आई थिंक सो कंपनी ने इस गाड़ी को जो है चालू रखना चाहिए था एंड दे शुड हैव मतलब अगर होती तो काफ़ी अच्छा होता, पर मेरे को ये काफ़ी सही लग रही है एंड डे टू डे यूज़ मैं भी मुंबई में ऑफिस में जाने के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये गाड़ी यूज़ जो है वो कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो है आपको गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है 1, 2, 3, 4 जैसे कि मैंने बताया, दिस इज़ अ मैनुअल ट्रांसमिशन विथ नो क्लच, यानी कि AMT जैसा कुछ ऐसा इसका सिस्टम है, टीमेटिक गियरबॉक्स इसे जो है कहा जाता है।
यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर, शायद से गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, फ्यूल गेज, अपर लाइट का जो है नोटेशन, यहाँ पर न्यूट्रल का सिंबल, और यहाँ पर जो आपको स्पीडोमीटर, तो समथिंग 77,239 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पर इसका स्पीड है 140 लिखा गया, लेकिन गॉड नोज कितने तक जाएगी। कुछ इस प्रकार की इसकी चाबी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये है मेरा भाई डॉक्टर पार ताहिर। अब जैसे चाचा जी ने, मैंने पूछा था कि गाड़ी को चलाना कैसे, तो चाचा जी ने बताया कि ये हायर गियर्स पर चालू होती है, न्यूट्रल पे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल पे स्टार्ट करके आपको फोर्थ गियर में डाल के इसको लेके जाना है। जब ये गाड़ी नई थी तब इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी चलाते थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत इश्यूज इसमें आए हैं, इसीलिए इसको टॉलर गियर्स यानी कि थर्ड या फोर्थ पे स्टार्ट करके चलाना है। तो ये डायरेक्ट स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं कि गियर में है तो आपको क्लच दबा के स्टार्ट करना है, तो अभी मेरा भाई इसे स्टार्ट करेगा। तो अभी ये स्टार्ट हो चुकी है एंड बिना, अभी ये फोर्थ गियर में है एंड बिना गियर डाले मेरा भाई इसे लेके जाएगा। तो कुछ ऐसी सिस्टम है, बहुत बढ़िया लगता है, एजेड लोगों के हिसाब से जो है काफ़ी परफेक्ट मुझे लगी है। ये भी एक गाड़ी टीवीएस की है, हमारे फैमिली में मेजॉरिटी ऑफ द बाइक्स टीवीएस की है। ये भी मेरे एक कजिन चाचू की ही है, स्टार डीएलएक्स गोल्ड लाइट वाली पुरानी गाड़ी है, ये मैनुअल है। अब ये जो आएगी, मेरा भाई अभी टर्न मार के वापस आएगा इस गाड़ी का, तो देखते हैं यहाँ तक वो आगे तक गया है, अभी वहाँ से वापस आएगा। एंड वंस अगेन, एजेड लोगों के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट जो है ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी ने इसे बंद कर दिया, क्या हुआ क्या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। एंड ये जो टीमेटिक गियर चेंजिंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक AMT इसे कह सकते हैं, मीन्स अभी इसे मैं क्या कहूँ, ज़्यादा टेक्निकल में मैं जा नहीं सकता। AMT गियर बॉक्स जो होता है मारुति सिलेरियो में जैसे होता है, वैसा जो है गेयरबॉक्स ये है लगभग, काफ़ी परफेक्ट। अभी देखो ये भाई आ रहा है एंड बिल्कुल नॉर्मल बाइक जैसी ये चलती है। एंड वन ऑफ द बेस्टेस्ट थिंग इज दैट कि गियर बदलने हैं लेकिन क्लच नहीं है, तो आपका ये हाथ जो है ये बिल्कुल दर्द नहीं करेगा, एंड एज के हिसाब से चलाने के लिए काफ़ी बराबर है।